नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 15 अक्टूबर को आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट, कमलनाथ ने की घोषणा। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 60 से अधिक सीटों पर चर्चा। सुरजेवाला ने कहा, नवरात्रि के पहले दिन होगी कांग्रेस की विजय की शुरुआत। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 15 अक्टूबर को घोषित होगी, जिसमें 60 नाम शामिल हो सकते हैं। शुक्रवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि श्राद्ध के बाद लिस्ट घोषित की जाएगी और उसी रफ्तार से हमारी चर्चा जारी है। कमलनाथ ने कहा कि जितनी चर्चा हो उतना अच्छा है, क्योंकि कई नई चीजें उभर कर आती है। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस की जीत की शुरुआत हो जाएगी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। केंद्रीय चुनाव समिति बैठक के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित समिति के सभी सदस्यों के साथ हुई। इसमें कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह सहित मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। यहां कई सीटों पर सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। सुरजेवाला ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर चर्चा की है। इस विषय पर फिर से बैठक होगी और हम 15 अक्टूबर तक अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।